नमो हरिहंताराम नमो सिद्धाराम नमो आय विनाराम नमो वज्रायाराम नमो लोये सभ्य साहूरम। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवाधिदेवी तजाराज श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संत की, अनुकंपाओं के भाव से सनी हुई माटी, गधे की पीठ पर जा रही है। अब उसने देखा कि जिस बोरी में मुझे रखा गया है वह बोरी बहुत कठोर हो गई। उसकी रस्सियों से उसकी पीठ छिल गई है और पीठ छिल जाने के कारण से उसके अंदर ऐसे उसकी पीड़ा को देखते हुए अंदर से कप उठी, अनुकंपा के भाव से भर गई, क्योंकि बड़की पीड़ा को देखकर के जिसका हृदय कप जाएगा, जिसके अंदर पीड़ा का महसूस होने लगे, उसी का नाम अनुकंपा भाव है। और ऐसा अनुकंपा का भाव उसके मन में आया है, ऐसा अनुकंपा का भाव उसके मन में समाया है। और उसने क्या किया, अपने छोटे छोटे सिक्का माटी के छोटे छोटे सिक्का उसके घाव में जाकर के समा जाते हैं और उधर उसके पसीना, किसका पसीना, गधा का है ना, वो पसीना मिलता है तो माटी फूल जाती है और भूल करके मलहम का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, मलहम का काम कर रही है। और वो मलहम उसके घाव की पीड़ा को कम कर रहे हैं। ऐसा जब वो रस्सी जो छीलने का काम कर रही है तो माटी की उस घाव में भर रही है, तो अब उस घाव का प्रभाव कम कर रही है। ऐसा आपने अनुकंपा की दृष्टि से भरी हुई माटी के अनुकंपा भाव को समझा, अर्थात आपको क्या संकेत देता है, हमें यह संकेत मिलता है कि माटी की मन में इतना अच्छा उत्तम भाव समाया, उसकी किसी दूसरे की पीड़ा देख करके उसकी पीड़ा को दूर करने का भाव जगाया। अब आप उस पीड़ा के भाव को कैसे कम कर सकते हो, कैसे उस पीड़ा को कम करने का प्रयास कर सकते हो, ये आपको उपदेश के रूप में मिला हुआ है। बन सके तो क्या करो, किसी के घाव पर मरहम लगाना है ना, मलना मत लगाना, क्या ऐसा नहीं कि मलहम लगाना और मलना दोनों में अंतर कितना है, बहुत अंतर है। एक में दया भाव है, एक में अनुकंपा भाव है और एक में अदया भाव और दुखाव। किसी के घाव को दबाओगे तो पीड़ा होगी, कष्ट होगा, कष्ट पहुंचाना मनुष्य का स्वभाव नहीं होना चाहिए। जब एक माटी के मन में मूक माटी के रूप में आचार्य जी ने माटी के अंदर इतनी अनुकंपा भाव भर दिया तो तुम तो मनुष्य हो, माटी तो नहीं हो।
कहने को तो एक बार एक प्रसंग आया था, मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज से एक बच्चा कहता है, महाराज जी आया हो, महाराज जी ने सुनाया, छोटा सा बालक था वो आया, महाराज जी आप कहानी सुना, आपकी कहानी में पीड़ी भी बोलता है, आपकी कहानी में चिड़िया भी बोलती है ना, ऐसा उन्होंने कहा, तो सही में आपकी कहानियों में ऐसी बोलती है क्या? उन्होंने कहा, भैया हम तो चिड़िया और पेड़ की बात करते हैं, हमारे गुरु महाराज ने तो माटी से भी बोलना सिखा दिया, हमारे गुरु जी थी कदम गए और उन्होंने कहा कि आप तो मेरी बात करते हो, हम तो गुरु जी की बात करें, हमारे गुरु जी ने मूक माटी लिख करके माटी से सारी बात करवाई है। अब आप कहोगे महाराज जी ऐसी कैसी कहानी है, माटी बोलती, हमें तो आज तक नहीं लिखी, कभी तुमने माटी के मंत्रों को समझने की कोशिश की, माटी के भावों को समझने की कोशिश की? आज तक जिस माटी को तुमने जितना रोला है, जितना कूटा है, जितना पीटा है, कभी माटी ने तुमसे जवाब दिया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या किया? अभी शिकायत की, मैंने तुम्हारा कोई कर्जा तो नहीं लिया? जैसे आप लोग कहते हो कि आप हमें परेशान काहे कर रहे हो, हमने तुम्हारा करोगा। कोई व्यक्ति आज अगर कुछ भी होता है तो शिकायत करना पहले जरूर कर देता है कि भाई आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैंने आखिर किया क्या? नहीं किया, लेकिन पूर्व में किया होगा, आज तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ हो रहा है तुम्हारे अपने कर्मों से हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा। यहाँ चिंतन माटी के माध्यम से आपको संदेह दिया जा रहा है, आपको उपदेश दिया जा रहा है, आपको माध्यम बनाया नहीं है, माटी को माध्यम बनाकर के मनुष्य का कथा, मनुष्य की पीड़ा, मनुष्य के मन का बंधक अभिव्यक्त किया जा रहा है। वही कथा यहाँ पर चल रही है कि जैसे उसे पीड़ा देखिए, उसका मन अनुकंपा भाव से भर गया, जैसे एक दयावान व्यक्ति का मन भर जाता है, एक करुणावान व्यक्ति का मन किसी दूसरे को कष्ट को देख करके उसको दूर करने का भाव करता है। ऐसे ही उस बोली में गुंगुरती सी अनुकंपा उस माटी के माध्यम से आप लोगों को दर्शाई गई, बताई गई है। अब आगे उस विषय को और अपन चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे उस प्रसंग को लेते हैं। क्या विषय है देखिए, पेज नंबर 37 सर, इस विषय में किसी भांति भांति है ना, हो नहीं सकता संशय की, इस विषय में किसी की भांति हो नहीं सकता संशय की, विषय सदा विषय कसायों को ही बनाता है, कोई संशय नहीं है, भ्रांति नहीं है। जिस विषय में किसी प्रकार की भ्रांति हो नहीं सकता संशय की, विषय सदा विषय कसाय को ही अपना बनाता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, जो भी विषय होगा विषयों के प्रति मोहित होगा, विषयों में रमने वाला होगा, उसका विषय विषय कसाय ही होगा, वो हमेशा विषय कसाय को ही प्रमुख बनाएगा, सदा विषय कसायों को ही बनाता है अपना विषय, और क्या करता हृदय गति आंखों में। देखिए आपको आपकी आंखें हृदय का दर्पण होती है,
आपकी आंखें क्या होती है? आपके हृदय का दर्पण होती है। आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या होता है, लोगों को पीड़ा होती है, आप महसूस अपने हृदय से करते हो, आंखों से क्या जाने लगता है? पानी। आंखों से क्या जाने लगता है? पानी। अगर आप किसी के कष्ट को देख करके किसी की पीड़ा को देखते हो तो आपकी आंखों से पानी झरने लगता है। इसलिए यहाँ आचरण सिंह शब्द दिया, गौर से पढ़ना, क्या लिखा है, हृदय बत्ती आंखों से, हृदय बत्ती आंखों में विवस हो या तमस, तमस के अर्थात रात, चाहे दिन हो या रात, चेतन हो, चेतन का जीवन ही झलक आता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित। अर्थात आप लोगों को ये बताया जा रहा है, ये कसाय विषय, विषय से क्या जाना, पंचेंद्रियों के विषय, विषय का अर्थ यहाँ पर पंचेंद्रियों के पांच इंद्रियों के विषय, कौन कौन से, एक स्पर्श इंद्रिय का विषय, फिर बाद में रसना इंद्रिय का विषय, घ्राण इंद्रिय का विषय है, चक्षु इंद्रिय का विषय है और कर्ण इंद्रिय का विषय। विषय समझने और समझने में इनकी परिभाषाओं को देखने जाओगे तो एक लाइन में है, जो स्पर्श रूप पुष्टि करने में लगी रहे उसका नाम स्पर्श इंद्रिय है, जो रस की पूर्ति के बारे में भागा दौड़ी हमेशा जिसके पीछे संसारी आत्मा एक हमेशा भटकता रहता है, हमेशा भटकता रहता है। लिखा है एक किसी ने कहा था कि देखो आदमी की हाइट कितनी होती है, हो सकता है कोई 5 फीट का है, कोई 6 फीट का है ना, और आपकी रसना की साइज अगर देखी जाए तो ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? उन्होंने कहा 4 अंगुल या 6 अंगुल, कितनी साइज होगी? 4 अंगुल होगी, ये अपना 4 अंगुल होगी, एक दो अलग आप कितने होगी? 6 अंगुल होगी, 4 अंगुल या 6 अंगुल होगी। सोचिए एक 6 अंगुल की जिब्बा 6 फीट के आदमी को क्या करती रहती है? ए, आज ऐसा चाहिए, आज ये हो जाना चाहिए, परेशान है। सोचिए 6 अंगुल की जवान या 4 अंगुल की जवान आदमी 6 फीट के आदमी को उठक बैठक लगाती रहती है, उठ बैठ, उधर चल, इधर चल, पूछते भैया क्या कर रहे हो, क्या करना है? अरे भैया महाराज कुछ मत कहो, पेट के लिए आदमी क्या नहीं करता। हमने कहा पेट के लिए करना है? अरे पेट के लिए नहीं, ये तुम्हारी जो जवान जो है रसना है इसको संतुष्ट है, आप तो मुझे ये चाहिए है, लो रुपी है, हमेशा मांग बढ़ाने वाली है, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज ऐसा चाहिए, काल ऐसा क्यों नहीं है, हमेशा वही है। इसलिए कहा ये पंचेंद्री के विषय में दूसरी इंद्री का नाम क्या है? रसना। देखिए आप एक बार आचार्य सिंह ने बहुत अच्छा साइंटिफिक में है कि नहीं, अब ये व्याख्या में कहा था रसना, इसका नाम कितना भी रस दे दो ये तृप्त ना, हमें कहता और ऐसी है। एक बार ऐसा कोई व्यक्ति एक बार खा ले
और उसके बाद कहते हैं बस अब आज के बाद मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं नहीं। वो कहता है कल तो अच्छा लगा था, और अच्छा होना चाहिए, आज तो और अच्छा होना चाहिए। इसलिए इसका नाम क्या है? रस। जो कभी रस से तृप्त हो गए ना, उसका नाम रस है ना। कितनी है एक अपने यहां बुंदेलखंड में कहावत है, उतरी घाटी भाई माटी। सोचिए आप, मात्र इतना सा रास्ता सफर तय करना है, उसके बाद क्या स्वाद, क्या मीठा, क्या खट्टा, क्या कड़वा, क्या चरबरा, सब कुछ भूल जाता है। बोले कि इतनी घाटी उतरी और भाई क्या माटी, पर तो छूने लायक नहीं है। फिर कैसी नहीं है? देखिए ये एक वही चीज जो सोने की थाली में सजी थी, चांदी में सजी थी, लोग उसको दिखाने के जमाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, और जैसे ही वो आपकी रसना पार करके नीचे उतरती है, उसकी दशा क्या होती है महाराज? अगर स्पर्श हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? स्नान करना पड़ेगा, अपवित्र हो जाएगा, पवित्र भी नहीं रहेगा। सोचिए कि कितनी कीमत है रसना की, इसके लिए कितना भागा दौड़ी हो रही है, कितना परेशान है इसके लिए आदमी, कितना बेचैन है इसके लिए आदमी। तो विषय कहेंगे तो पंचेंद्री के विषय में रसना इंद्री का विषय है, परिवार में कौन सा इंद्री आ जाती है? घ्राण इंद्री, अच्छी आवाज। एक और देखो, एक घ्राण इंद्री में नाक आपको बता देती है अच्छा है, उसकी शक्ल देखो कैसी लगती है, चेहरे की बनावट। सामने का उस समय एक आदमी के सामने अच्छी चीज रखो, और उस समय को दर्पण के सामने करो, करो कैमरे के सामने खा करो, उसकी फोटो खींचते रहो, उसके चेहरे की फोटो कैसी आएगी? बिल्कुल खिली खिली सी। और साथ साथ जैसे ही अगर थोड़ी सी खराब चीज दे दो, उसकी चेहरे देखना बराबर, आंखें देखो, चेहरा देखो, अरे जी क्या कर दिया, सब कुछ बिगड़ जाता है, मन भी बिगड़ जाता है, तन भी बिगड़ जाता है, और उनके साथ अगर फोटो है तो फोटो भी बिगड़ जाता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ग्रान जिसमें घृणा का भाव भरा होता है, सुनते ही अच्छा है बुरा है, राग और द्वेष, ये तो सारे के सभी इंद्रियों के साथ रखते हैं। अच्छा मिल जाए बहुत अच्छा, गर्मी है ठंडी हवा देख वाह मजा आ गया, कितनी अच्छी ठंडी हवा है, और गर्म हवा आ जाए तो ऐसी आग में झुलस रहे हैं, घट्टी में जल रहे हैं, ठंडी हवा में राग और गर्म हवा में। इंद्री के विषय सारे सारे अभी तक सूत्र ने लिखा, लास्ट में उन्होंने लिखा मनोज्ञ मनोकेंद्रीय विषय राग और द्वेष वर्जनानी पंच। बस इन सारे इंद्रियों में दो ही विषय बताए गए, इनका क्या है? पांचों में सब मनो को और अमनो को, अच्छा और बुरा, ये इंद्रियों के विषय के अतिचार वहां पर बनाए हैं, वर्णन किया है, मनो के विषय हो अमनो के विषय हो, इसमें राग द्वेष करते हैं, ग्राम इंद्रिया है। और ग्राम इंद्रिय के बाद कौन सी इंद्रिया थी? चक्षु इंद्रिय है, देखने वाली है, सारा का सारा संसार उसी में किए लगा है, कैसा होगा कैसा होगा, हर चीज से चाहे पहनाव हो चाहे ओढ़ना बिछाना हो,
चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, आज से कुछ लोग किसका समय है बताओ। अभी एक बहुत अच्छा बात आई थी, उन्होंने कहा कि एक वही चीज है, बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने जाते हैं है? वहां से जाते हैं और एक सामान्य व्यक्ति जिसके आप किसान के यहां से लेके आते हैं तो बढ़िया वही चीज कितने में मिल जाती है उसको? तो बोले कि वही चीज 10 रुपए में मिल सकती है वहां, और वही जाकर के अच्छे बड़े बड़े स्टोर में पहुंच जाती है काम, जिसे फेस कहते हैं, बोले कि मॉल में, मॉल में पहुंच गया 10 रुपए की चीज, वो कहते वहां पर 10 गुनी और बढ़ जाती है, या 5 से 50 में हो जाती है, 10 से 100 में हो जाती है। बोले कि क्यों? मॉल से लाए भैया, बहुत महंगा है। तो बोले कि लायका वो मॉल वाले भी तो वही से तो ले रहे थे, मॉल वाले ने कहा खेती करें बताओ। कोई भी कहीं पर देने वाले भी किसान है, देने वाले को ही सब कोई है और कोई दूसरा नहीं है। हम उस बात उस प्रसंग को बहुत अच्छे से, यहाँ विषय सबसे बड़ी आंखों की तृप्ति, आंखों का ही सारा का सारा संसार, रंग रूप, अच्छे पैकेट लिफाफा, सबसे बड़ा चार्ज क्या है आज के समय? वस्तु का चार्ज कम, पैकिंग चार्ज ज्यादा। अभी एक वो पढ़ रहा था, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने लिखा कि जो आज भारत में ये पेप्सी है, कोको कोला है ना, ये कंपनियां आने वाली है, तुम्हारे यहां लगाते हैं, बनाते हैं और बना करके तुम्हारा पानी तुमसे ही सब कुछ लेंगे यहीं पर, और ज्यादा से ज्यादा उसको अगर एक बाटल तैयार करता हूं 200 ग्राम का, ज्यादा से ज्यादा अगर पानी का मैन्युफैक्चरिंग और सब कुछ मिलाया जाए तो 40 से 50 पैसे से ज्यादा खर्च नहीं होता। अगर बहुत अच्छा मजदूरी लेवल भी साथ में दिया जाए तो 40 से 50 पैसा लगता है मात्र, और पैकिंग चार्ज अगर बना लो तो ज्यादा से ज्यादा वो 1.5 रुपए की बैठती है मैन्युफैक्चरिंग में, 1 रुपया वो सब अगर उसको सब मिला लेता है, उन्होंने लिखा। लेकिन 1 रुपए की चीज बन करके पैक होकर के तैयार आ जाए आज बाजार में 70 रुपए की बिक रही, तो उन्होंने कहा उससे 10 गुना खर्चा काय में करते हैं उसका, सिर्फ एडवर्टाइज है। एक बड़े कलाकार को पकड़ेंगे वो आपको पी के दिखा देगा, मजा आ गया, ऐड दिखा दिया आपको टीवी पर, आपने देख करके उससे लोगन हो गए, उसने देखा और देख करके यानी 1 रुपए की चीज की प्रचार के लिए 10 रुपया खर्च करेंगे, फिर बाद में 2-5-10 रुपए तुमसे कमाएंगे और तुम्हारे पास वो चीज 20 रुपए में मिलेगी। अब आप बताइए कि आप किसके क्या खरीद रहे हो, चीज खरीद रहे हो कि उसका विज्ञापन, किसमें पैसे खर्च किए जा रहे हैं, उसे देख करके लोगों को दिखा करके, यही है वर्ण व्यवहार, वर्ण की विचित्रता संसार में आज जो जितना है, जितने जितने भी सब कुछ अपन देख रहे हैं वो वर्ण का ही व्यवहार है, वर्ण की विचित्रता है, चक्षु इंद्री का सारा विस्तार है, जिसके कारण से हम उसमें समय हो गए, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा। इसलिए हमारे भगवान बहुत अच्छा है, उनके यहाँ जब जाओ
तो कोई पूछते हैं आपके भगवान क्या आंखें बंद करके बैठे हैं? कि नहीं बैठे। आपके भगवान आंखें खोले बैठे हैं? खोले कि नहीं खोले बैठे। बंद भी नहीं है, खुले भी नहीं है, तो कैसे हैं? नासा दृष्टि, देखने की कोई इच्छा? अरे तो महाराज जब विहार करते हो तब भी रखते हो? हाँ नहीं, विहार करते हुए चार हाथ देख के चलते हो? चलो भगवान यहाँ वहां देखते होंगे, लेकिन उनको देखने की कोई इच्छा? हमारे लिए विकल्प होता है, हमारे लिए विकल्प हो सकता है, भगवान तो निर्विकल्प है। जब तक ये विकल्प की प्रवृत्ति है तब तक इधर ताका झाकी है, और जिस दिन निर्विकल्प प्रवृत्ति तुम्हारी हो गई, केवल ज्ञान तुम्हें हो गया, अब कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। आचार्य जी ने बहुत दुआ लिखा है भगवान के बारे में, सब कुछ लगते पर नहीं। देखिए बहुत अच्छा दुआ है, सब कुछ लगते पर नहीं प्रभु में हास विलास। क्या कल्पना की है वहां पर आचार्य जी ने, कि सब कुछ लगते पर नहीं प्रभु में हास विलास, दर्पण रोया तब हंसा। दर्पण रोया कब हंसा? कैसा ये संन्यास, विचित्र है। जैसे दर्पण के सामने कोई रोता हुआ जाए तो वो दर्पण कैसा दिखा देता है? रोता हुआ, लेकिन दर्पण रोया कभी नहीं। दर्पण में कोई हंसता हुआ गया, उसने हंसता हुआ देखा, क्या दर्पण हंसा? नहीं हंसा। जैसे दर्पण हर अवस्था में एक सा है, ना हर्ष में ना विषाद में उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, वैसे भगवान की दशा केवल ज्ञानी की दशा कल्पना महादेव आपको चिंतन दिया है। एक दर्पण की बात ही केवल भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, नरक की उन नारियों की चीतकार भी झलक रही है, और तुम यहाँ बैठे हो तो वो भी केवल भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, और तुम घर पे रोते हो तो वो भी केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में झलक रहा है, हंस रहे हो तो भी झलक रहा है, जैसी अवस्था में सब कुछ झलक रहा है, लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं। जैसे दर्पण के ऊपर कोई भी प्रभाव, ऐसे ही लिखा कैसे ये संन्यास, ऐसे केवल ज्ञानी का जीवन जिनमें कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि उनके अंदर कोई राग द्वेष का भाव इसलिए कोई विकल्प नहीं होता। वही चक्षु इंद्रिय का विषय केवल ज्ञानी की तरह देखते हुए भी नहीं देखते, उन्हें कोई विकल्प नहीं होता, उनके मन में कोई हर्ष विषाद नहीं था। अब आया है कौन सी इंद्रिय है? कर्ण इंद्रिय है, सुनने की बात आती है, अच्छी बात सबको अच्छी लगती है, और कोई बुरा कहते तो लगता हो मिर्ची सी लगती है, अच्छा सबको पसंद है, बुरा किसी को पसंद नहीं है। लेकिन हमारे ज्ञानी जन कहते हैं बुरा कहो या अच्छा कहो लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊंगा मृत्यु आज ही तो भी अपने न्याय मार्ग से कभी न मैं घबरा पाऊं दिख पाऊं। यही है, कोई अच्छा कहे बुरा कहे निंदा कहे, हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण, ये है ज्ञानी जनों का स्वरूप। अर्भाव धारण असी प्रहारण मैं सदा संतापरण, ये समता की परिणति है। कर्णेन्द्रिय के विषय पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति निंदाओं में भी समता रखता है, प्रशंसा में भी समता रखता है।
प्रशंसा में फूलो मत और निंदा में मुंह लटकाओ। ये भी हमारी अपनी है, ये भी हमारा अपना है, कोई दूसरे का नहीं है। ज्ञानी जनों का स्वभाव हमेशा पंचेंद्रियों के विषय, इसलिए सबसे पहले कहा पंचेंद्रियों के विषय में अपने आप को इन विषयों से दूर कर लो। इंद्री दमन, इनमें आपके अंदर जो उथल पुथल होता है उस उथल पुथल से अपने आप को उठा लो। यही हमारा सही स्वरूप का काम क्या है, कौन है, आप कसा है, कितनी है, सबको मालूम कितनी सरल है। ये देखो क्रोध कितने शब्द है, दो। मान कितने शब्द है, दो। माया कितने शब्द है, दो। और लोभ कितने छोटे छोटे शब्द, दो दो शब्दों के। सब में कितने शब्द है, दो दो है, दो दो अर्थ। आप सोचोगे दो है और जहां दो है वहां द्वंद जरूर है, जहां दो है वहां द्वंद जरूर है। और एक दो में शासनों वाला, जहां एक है अपा पंगी रहो, जहां एकत्व तो है वहां द्वंद निर्द्वंद है। एकत्वपना और एकत्व भाव अगर आपके स्वभाव का लक्षण है तो आप कसाय पनप ही नहीं सकती। कसाय वहां पनपती है जहां थोड़ा सा उसको खाद पानी की जरूरत हो और उसको मिले। कहते खरपतवार का जन्म वही होता है जहां पर थोड़ा कचरा मिला और उसको बीज की जरूरत नहीं होती। माहौल मिला, पानी मिला, आद्रता मिली और बिल्कुल खड़ी हो जाती समूर्छन, उसे किसी बीज की जरूरत नहीं। वैसे ही कसायों के माहौल के बारे में कहा क्या बंधुओं, जैसे कि इस चतुर्मास में अपन देखते हैं जहां देखो पानी और माहौल नमी मिलती है, यहाँ हरी वहां हरी, जहां देखो हरी ही हरी है, सब कुछ हरी है। हरी का अर्थ वो कहता है कि भाई आपके लिए भी वैसी दशा समझ लेना कि हमारे कसायों की प्रगति भी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर छोटा सा भी माहौल हमारे विपरीत होता है तो बिल्कुल थोड़ा सा भी माहौल दिखा जल्दी खड़ी, मान के रूप में, क्रोध के रूप में, माया के रूप में, लोभ के रूप में। ऐसी कसायों का वही परिणति यहाँ पर विषय, इस विषय की भांति में कोई संख्या नहीं है। विषय सदा विषय कसायों को ही बनाता है, अपना विषय और हृदय नती आंखों में दिवस हो या तमस, चाहे दिन हो चाहे रात, चेतन का जीवन ही झलक आता है। भले ही वह जीवन दया रहता हो या दया से, अब यहाँ सोचोगे आप मरा थी क्यों दया रहे थो, तो वहां तो ठीक है इंद्रियों के विषय कसाय हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन ये दया से सहित है उसके साथ कैसे होगा। बोले की होगा, एक और कभी बात आपको बता रहा हूं कि दया से सहित होकर के भी कभी कभार आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा राग भाव उत्पन्न हो ही जाता है। इतने नहीं है, कभी अपने पूरे जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक तुम्हारी दया छोड़ने वाली। अब आप एक और पूछा गया है व्यक्ति ने पूछा महाराज भगवान के पास दया नहीं होती। अरे भाई आपको मालूम है
भगवान जब चलते हैं तो वो तो उनके अभियंता भाव होते ही हैं सर्वत्र। उनकी प्रगति ऐसी होती कि किसी जीव को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, उनको कोई छू ही नहीं सकता। अगर कोई मारने भी जाए उनके पास, उनके ऊपर अवसर करने भी जाए केवल ज्ञानी का, तो उन तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। उनके अंदर कोई किसी के अंदर भाव, लेकिन इतना निश्चित है उनका प्रभाव इतना है कि कितना भी दया भाव से रहित व्यक्ति क्यों ना हो, उन भगवान को देखेगा तो नियम से दया भाव से सहित हो जाएगा। आप लोगों ने परीक्षा मुख एक धर्म परीक्षा ग्रंथ पढ़ना, कौन सा परीक्षा मुख नहीं धर्म परीक्षा ग्रंथ, बहुत अच्छा है ग्रंथ है, और उसमें बहुत अच्छी कथनों को लेकर के और बहुत अच्छे उदाहरणों को देकर के आपको समझाया है। उस धर्म परीक्षा में भगवान के समुसरण की महिमा और दया के प्रभाव का प्रभाव दिखाया है कि देखिए भगवान कैसे हैं, उनकी दया को देखकर तो उनके उस दया के क्षेत्र में उनके प्रभाव में आकर के इस संसारी प्राणी जो जन्मजात वैर भाव रखने वाला है, जन्मजात वैर भाव रखने वाला है, जैसे एक सर्प और नेवला, सर्प हो मेंढक हो सिंह हो शेर हो हिरण हो या गाय हो, ये देख करके उनको आपस में शांति से भी बैठा तो वहां एक चित्रण बहुत अच्छा समूचन भगवान आपके समूचन की आपकी वाणी के सुनने के लिए वे मुख प्राणी भी अपनी अपनी भाषा में सुनने के लिए तत्पर हैं और सब तन्मय हैं, ऐसे तन्मय हैं सब कुछ भूल गए कि कौन मेरे बाजू में बैठा है। तो क्या हुआ उन्होंने लिखा है उसमें बहुत अच्छी कविता, एक मेंढक को जगह नहीं मिल रही कहां पर समुद्र में बैठने भगवान की वाणी सुनने की, तो क्या हुआ एक सर्प तन्मय होकर के बैठा है ऐसा, तो उसने एक छलांग लगाई और सर्प की फड़ी के ऊपर बैठ गया। सर्प भी तन्मय होकर के सुनता है, सोचिए एक शिखा जो बाहर दिख जाए तो छोड़े नहीं, और जैसे ही उसने देखा देख करके वो बैठ गया, बैठ करके वैर भाव से भूल गया, अर्थात जो निर्दयी प्राणी था भगवान आपके प्रभाव में आकर के वो भी दया से युक्त हो गया, दयावान बन गया। ये है हमारे भगवान, दया से उनको कोई किसी के प्रति राग नहीं है द्वेष नहीं है, हमारी जैसी अपन को रोना आ जाता है आंसू आंसू आते हैं किसी के दुख को देख करके हम पीड़ित हो जाते हैं, हमारी भगवान बिल्कुल बड़े निर्दयी हैं, आंखों में आंसू तक नहीं है। ये नहीं कि थोड़े हम जाते हैं दुखी होते हैं तो रोते गाते हैं कि भगवान हम बहुत दुखी हैं तरह खास के आशीर्वाद दे रहे सांत्वना में, हमारे भगवान तो बैठे हैं अपने आप तक देख नहीं तो क्या कर रहे हैं, दया नहीं है उनकी, जो दया है दिखाने वाली नहीं है उनकी दया, अपने आप की सभी जन देख करके सारे के सारे जीव दयावान हो जाते, ऐसे हमारे भगवान है जिनके अंदर कोई कसाय नहीं है। हम उनकी आराधना तो करते हैं, कभी कहते हैं ये भगवान मेरा वो दिन कब आए, मेरी कसाय जिंदगी के विषय कब मेरे जीवन से दूर हो जाए, ऐसी मांगो मांगो तो वो मांगो जो तुम्हें सुख दे, क्या धन संपत्ति मांगते हो भगवान के पास, हमारा जो काम अच्छा हो जाए हमारा जो व्यापार अच्छा हो जाए, ये क्या है वो तो तुम्हारी आकुलता और लोक कसाई को बढ़ाने वाला है, मांगना है तो ये कह दो हे भगवान मेरी लोक कसाई मुझे संसार की संपत्ति झंझट से मुक्ति जल्दी मिल जाए, ऐसा मांगो तो भगवान के प्रति के भैया जो हमने छोड़ो है जो हमें अच्छा नहीं लगो, अगर तुम वो हमसे मांगो कि वो तो अच्छी बात है, जो हम छोड़ के आए और तुम कह रहे हो हमसे
जो जिसने हमें सुख नहीं दिखा दिया तो वो हमसे मांगने आ गए, जिसमें हमें आनंद नहीं आया वो तुम्हें कैसे हम दे सकता हूं। सोचो विचार करो, आप किसकी आराधना करने वाले हो, आप किसकी पूजन करने वाले हो, रागी की नहीं किसकी, तो रागी से क्या मांगे बताओ, अपनी कसाई को कम करने के भाव, अपने राग करने के भाव, बढ़ावे के भाव मांगे कर, कम करने के भाव मांगे। आप कहते तो हो राग सहित जग में रुलो, मिलो सरागी देव, बीत रात है तो अबे, मैं तो अबे नहीं, लोग क्या कहते हैं मैं तो अबे नहीं, भेंटो वितराक्षा से मेरी अभी क्या हुई है, भेंट हुई है, लोग उल्टो पड़ देते इधर को उधर उधर को, भेंटो मेरी अभी क्या हुई है वितराग से, वितराग भेंटो अबो मेटो राग, उल्टो कर देते हैं भेंटो राग होते ऐसा कर देते हैं मेटो, अच्छे सो शब्दों को सोच के करना बोलते, हम क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, तो उस समय हमें ये बात अच्छे से समझना कि आज मेरी अभी वितराग भगवान से भेंट हुई है, हे भगवान मैं क्या चाहता हूं, कहते देते हो बड़े पाठ में मेटो राग कुटे, राग को क्या कहा, कुटीर कुटीर का बुरी आदत, राग करना अच्छी बात है नहीं, राग जैसी बुरी आदत दुनिया में और दूसरी कोई है ही नहीं, इसलिए भगवान मेरा ये कुटीर मैं तो आपसे भेंट हुई है, क्योंकि ये राग सहित जग में रुलो आज से नहीं तब से, अनंत काल से कितनी भेंट हुई है, कब से होती चली आ रही है, जग में रुलो इस संसार में रुल रहा हूं, इधर से उधर उधर से उधर इधर से उधर भटक रहा हूं मैं तो राग, इसलिए क्या छोड़ना है कैसा करना है, ऐसे ही संसार में वे संसारी प्राणी यहाँ वे झलक आता है, चेतन का जीवन ही झलक आता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित, हमारा जीवन दया रहित ना हो, अगर दया रहित होता तो चेतन का अनुभव भी वैसा होता है, और जिस जन दया से सहित होता है उस समय भी आपको वैसा अनुभव होता है, और सुन आगे बढ़ते हैं, और दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। अगर आपके पास दया नहीं है तो आपके पास जीव का सही परिचय भी नहीं है। जीव का विज्ञान क्या है, दया भाव से युक्त जो जीव है, जो अपने जैसा सबको समझता हो, जैसा मैं किसी को दुख, अपने आप को दुखी नहीं बनाना चाहता, मैं किसी के कष्ट अपने आप को कष्ट में नहीं डालना चाहता, तो सामने वाले को कष्ट में डालना क्या हमारा स्वभाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कितना भी बड़े से बड़ा कोई भी हो, शत्रु भी क्यों ना हो, अगर समय पड़े तो शत्रु का भी सहयोग करना। आचार्य जी ने एक कहा अभी जगह लिखा है, दुश्मनी करो जम के करो, दुश्मनी करो जम के करो, पर इतनी कसर रखो कि दुश्मन अगर कष्ट में हो तो मरहम लगाने की मांगे, अगर सहयोग मांगे तो सहयोग देने की सहयोग करो, दुश्मनी करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो तुमसे कहे कि भाई मुझे अपनी गलती महसूस हो गई तो उसे अपनाने की कोशिश करो, ये है दयावानों का जीवन, ये है दयावानों का चरित्र, ये होता है दयावानों का
जीवन हम ऐसे प्रयासी से हो अध्या भाव को न रखे, यही जीवन विज्ञान है। क्या दया का होना ही जीव का विज्ञान है, सम्यक परिचय है, यही सम्यक परिचय। परंतु अवांगी पर दया करना, पर दया करना, दूसरा पर दया करना वह दृष्टि सा मोह मूर्ता है। आज अभी आचार्य जी ने एक प्रसंग वर्तमान में जो कुछ चल रहा है कुछ एकांत मत के माध्यम से वो कथन को यहाँ पर समाहित किया है, वो उसको देखना। वह दृष्टि सा मोह मूर्ता सा सौ परिचय से वंचित सा अध्यात्म से दूर, किससे दूर? अध्यात्म से दूर। प्राय लगता है ऐसा एकांत धारणा से अध्यात्म की प्रार्थना होती है। क्या होती है? लोग कहते अरे क्या दया करना, ये सब क्रियाकांड है। कौन किससे? लोगों को उपदेश दिया जाता है, सब जीव आए हैं, आदमी सब मरेंगे, सब अपने अपने आयु क्षयम नच मरणम ऐसा उपदेश देते हैं। अरे कौन किसको बचा सकता है, उसका आयु कर्म आ गया था, मर गया, हम क्या करें? बंधु ये ध्यान रखना, आप मरण को किसी से बचा नहीं सकते। अगर आयु कर्म का क्षय हो गया है तो आप मरते व्रिया जीव को कौन निराकरण? ये बात बिल्कुल सूत्र चकता है, बिल्कुल कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आप क्या कर सकते हो? जब आचार्य जी ने गौशालाओं का ये बीड़ा लोगों को दिया, उस समय सूत्र दिया, तो मैं मानता हूं कि मैं किसी जीव को मरने से नहीं बचा सकता, लेकिन हम ये जो काम कर रहे हैं गौशालाओं और जीव दया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम सिर्फ ये काम कर रहे हैं उनको मरण से नहीं, अकाल मरण से बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं? उनका मरण अकाल में ना हो। गौशालाओं का उद्देश्य हमारा सब यही है। हम वहां मरण से तो किसी जीव को बचा ही नहीं सकते, हमारे अंदर दया भाव की लिया कोई अकाल में ना मरे, भूखो ना मरे, प्यासो ना मरे, ये उद्देश्य होता है, ये दयावान का उद्देश्य होता है। बन सके किसी जीव को हम जीवन नहीं दे सकते, तो कम से कम अकाल में जीवन मरण को नहीं दे सकते, हम अकाल मरण से उनको बचाने की कोशिश करें, अकाल में किसी का मरण ना हो, ये हमारा जीवन का उद्देश्य। लोगों ने ऐसा कह दिया, अरे ये सब कुछ नहीं है, मूर्ताएं हैं, ये क्या है दया माया करना, कोई बड़ी कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य जी ने पर दया करना पर दृष्टि सा मोह, उनको मोह रखना, अरे तो मोह का प्रतीक है, दया करना मोह का चिन्ह है, ऐसा कहने दिया। अध्यात्म की दृष्टि से समय सार में लिखा है, लेकिन वो समय सार कौन सा, किसके लिए कहा? वे शुद्ध उपयोगी मणि महाराज हैं जो ध्यान में लीन है, उन्होंने कहा आप किसी की ओर दया दृष्टि करने की जरूरत नहीं, अब तुझे अपने आप की ओर दृष्टि करना है उनके लिए। अब तुमने कहा चला दिया, जो अभी पूरे अध्याय भाव में तो भरे पड़े हैं, परिक्रम में भरे पड़े हैं, उनको अरे दया करना मोह का प्रतीक है, राग का प्रतीक है, से कर्म बंद होता है। तो उन्होंने आचार्य सिंह कोई वर दृष्टि सा मोर मूर्ता सा, उनको क्या लगता है? परिचय सा सौ परिचय से वंचित सा लगता है, उन्हें अपनी सौ का परिचय सही नहीं है, अध्यात्म से दूर। अगर उनके पास सच्चा अध्यात्म है, ना सच्चा अध्यात्म होता है, वही सबको अपने जैसा समझता है, वही दयावान होता है। इसलिए दया सिद्धो धर्मो पहला सूत्र दिया है। धर्म कौन? जहां दया से विशुद्धता हो, जो परिणाम जिसका जीवन दया से विशुद्ध हो,
वही सच्चा धर्म है। और दया से रहित जीवन कभी भी धर्म हो ही बिल्कुल वही उपदेश था मुख रूप से दया विशुद्ध हो धर्मो मानव सेवा बिल्कुल बहुत अच्छा आचार्य जी का यही है जो देखते हैं उनकी सेवा उनका ही परिचय उनसे ही हमें क्या मिलता है कोशिश यही होना चाहिए मानव सेवा है दया भाव है ये हमारे दया भाव को बताता है तब हम उसके लिए करते हैं उसके लिए जब यहाँ पर हुआ था मालूम है कि भागवदय जब हुआ तो बहुत सारी शुरुआत हुई थी लेट मालाएं चलाई थी लोगों ने अरे लगता है कहाँ कौन से काम में फंस गए लिखने वालों ने छोड़ा नहीं था गुरु जी को भी नहीं छोड़ा आचार्य जी ने कहा कि लगता है बात सही है उनके अंदर है लेकिन इतना निश्चित है कि आज उन्होंने ऐसा लिखा है लगता है दया के माहौल को जगाने का एक समय आ गया है। अब नियम से भागवदय तीर्थ चरम पर पहुंचेगा वही सपना आज दिखाई देगा उस समय जब शुरुआत 95 में जब शिलान्यास हुआ और 98 में शुरुआत हुई थी शुरुआत हुई थी जब पहला चतुर्मास अजय भगवान का और उसी समय अपना ये शुरुआत हॉस्पिटल की हुई थी छोटी सी ओपीडी से चालू हुआ था आज वो धीरे धीरे बीच इतना बढ़ करके कहाँ पहुंचता है ये दया का ही विकास है ये मानव सेवा का ही हमारा एक भावनाओं का परिचय है। और यहाँ कुछ होना हो अध्यक्ष ने एक सूत्र दिया था कि हम कुछ कर सके ना कर सके पर हो सकता है कुछ क्षण के लिए हम किसी के चेहरे पर मुस्कान तो दे सकते हैं ये हमारी सबसे बड़ी दया है। यहाँ से रोता रोता आए और यहाँ से स्वस्थ होकर के जाए इससे बड़ा और दूसरा कोई काम नहीं मानव सेवा से इससे बड़ा और कौन सा काम हो सकता है। यहाँ आया है पीड़ित होकर के आया है और वो कहता है चलो धन्यवाद हम रोग से कैसे हो गए दूर हो गए स्वस्थ हो गए दोनों कार्य होकर के जा रहा है मन से भी तन से भी और प्रसन्न होकर के जाता है। यहाँ सबसे बड़ी बात कि जो लोगों की ऐसी धारणा है कि अध्यात्म से दूर प्राय लगता है जो ऐसे लोग हैं कि उनके सही अध्यात्म का रहस्य नहीं है उनके ऐसा लगता है कि दया आदि करना ये सब बारीकी इसलिए ऐसा ऐसी एकांत धारणा क्या है अध्यात्म की विराधना है वो अध्यात्म की साधना नहीं है। अब आगे और क्या होगा आगे की बात अपन करेंगे बाद में आज बस इतना ही बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी ज्ञान के प्रकाश भी हो आप